ऑफ इन्वायमेंट हाल ही में लॉन्च किया ये पूरा साल जो है उसमें इंडिया और फ्रांस मिलकर कोलेबरेट करेंगे इन्वायमेंट को प्रोटेक्ट करने को लेकर फ्रांस की लोकेशन देख ली जाए क्या बिल्कुल बढ़िया रहेगा ये है फ्रांस यूरोप में देखिए इसके नॉर्थ में आपको इंग्लिश चैनल दिखेगा जो इसको ब्रिटेन से अलग करता है और यहां पर वेस्ट में आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन दिखेगा साउथ में, में मेडिटेरेनियन सी बॉर्डरिंग कंट्री की बात करें तो बेल्जियम लग्जमबर्ग स्विट्जरलैंड इटली और स्पेन मिलेंगे तो ये तो फ्रांस की लोकेशन देख ली ऑब्जेक्टिव है इस पूरे इनिशिएटिव का कि इंडिया और फ्रांस कोलैबोरेट करें कोऑपरेट करें ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में थोड़ा बढ़िया से काम कर सकें ग्लोबल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें जो हमें दिखे भी प्रॉपर विजिबिलिटी के साथ देखिए थीम जो है वो पांच मेन थीम्स हैं जिस पर काम करना है इन्वायमेंटल प्रोटेक्शन क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जीज एंड एनर्जी इफिशियंसी ये एक ही है ये मत कहिएगा कि छ हो गया टोटल ठीक है अब यहां पर देखिए इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं इंडियन साइड से कई सारी मिनिस्ट्रीज हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एक्सटर्नल अफेयर्स अफेयर्स हाउसिंग अर्बन न्यू एंड एनर्जी और भी कई सारी कंसर्न जो मिनिस्ट्रीज हैं डिपार्टमेंट हैं हैं वो भी इसका मतलब क्या है अदर्स लिख दिया ना तो याद मत रखिए क्योंकि कुछ भी आ जाएगा ना ज्वाइंट कमेटी की बात करते हैं एक स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी इंडिया और फ्रांस दोनों के ही रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें होंगे ये फाइनलाइज करेंगे कि आखिर इस पूरे साल में करना क्या है कोलैबोरेशन की बात तो कर दी है बट कुछ करेंगे ना तो क्या कैसे होगा इसका पूरा डिसीजन ये ज्वाइंट कमेटी लेगी हमारा अगला आर्टिकल पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में है कई बार एक कहावत कही जाती है कि शेर के बच्चे को शिकार करना नहीं सिखाया जाता लेकिन अब ऐसा होगा फॉर द फर्स्ट टाइम पेरियार टाइगर रिजर्व में जो कि केरला में है जो टाइगर कब हैं उन्हें नेचुरली हंट करना सिखाया जाएगा फॉरेस्ट इन्वायमेंट में ट्रेनिंग दी जाएगी उन्हें ऐसा पहली बार होगा कि हम शेर के बच्चे को शिकार करना सिखाएंगे लोकेशन की बात करते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व आपको केरला में मिलेगा वेस्टर्न घाट का सदर्न रीजन ये पड़ता है 1950 में इसे सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1978 में टाइगर रिजर्व बना रिवर पेरियार से अपना नाम लेता है बिकॉज वो इसी टाइगर रिजर्व के बीच में से ओरिजिनेट होती है मलैर और पेरियार ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो इस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती हैं फ्लोरा की बात करें तो आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन मॉइस्ट डेसिडुअस और ग्रासलैंड लैंड यहाँ पर मिल जाएंगे नाइनटीन सिक्सटी सिक्स स्पीसीज फ्लावरिंग प्लांट की यहाँ पर मिलती हैं जिसमें से फाइव सिक्सटीन तो वेस्टर्न घाट मतलब के एंडेमिक हैं मतलब केवल यहीं पाई जाती हैं और लगभग तीन सौ आपको मेडिसिनल प्लांट्स भी यहाँ मिलेंगे फोना की बात करें तो मैमल्स में आपको टाइगर एलिफेंट लॉयल टल्ड मकाक नीलगिरी थार मिल जाएंगे बर्ड्स में डार्टर्स कॉन्मोरेंट्स किंगफिशर द ग्रेट मालाबार हॉर्नबिल और रैकेट टील्ड डोंगल्स भी मिल जाएंगे रेप्टाइल्स में मोनिटर रिजार्ट पाइथन और किंग कोबरा मिलेंगे ट्राइबल्स में छह ट्राइबल कम्युनिटीज इस टाइगर रिजर्व में आपको मिलती हैं मन्नास पलायांस, मलेरांस, माला उरालीज और उलाडांस ठीक है तो ये कुछ ट्राइब्स के नाम हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020 के बारे में है जिसे अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम के द्वारा रिलीज किया गया है क्या हो अगर आप किसी गवर्नमेंट के खिलाफ इस आधार पर केस कर दें कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आपकी उम्र कम हो रही है या आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है ऐसा कई सारी जगहों पर अब हो रहा है जहां सरकारों के खिलाफ केस फाइल किए जा रहे हैं कि वो क्लाइमेट चेंज को अच्छे से हैंडल नहीं कर रहे हैं इसी संबंध में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया यू के द्वारा साबिन सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज लॉ के साथ मिलकर जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सिचुएटेड है ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि क्लाइमेट लिटिगेशन के केसेस हाल के सालों में काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और अब ये मुद्दा कोर्ट रूम में जा रहा है क्या की हाईलाइट्स निकल के आई इस रिपोर्ट में जो पब्लिश की गई ये कहा गया कि पिछले तीन सालों में क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर जो लिटिगेशन किए जा रहे हैं उनकी संख्या दोगुनी हो गई है इसके वजह से अब सरकारों के ऊपर दबाव बन रहा है कि वो अपनी क्लाइमेट कमिटमेंट्स को सीरियसली लेकर इंप्लीमेंट करें और कॉरपोरेट एक्टर्स पर भी सेम दबाव बन रहा है ये जो केसेस हैं ये गवर्नमेंट्स को कंपेल करते हैं कि वो और एम्बिशियस क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और एडेपेशन गोल्स ऑप्ट करें और उसे पूरा करें डेटा के तौर पे बात करें तो 2017 में जहां 24 देशों में आठ ऐसे केस दाखिल किए गए यानी कि 884 वही 2020 में इन केसेस की संख्या बढ़कर एक हो चुका है थर्टी कंट्रीज में यूरोपियन यूनियन कोर्स को मिलाकर अब यहां पर बात करते हैं यूएनईपी के बारे में जिसे फिफ्थ जून 1972 को इस्टेब्लिश किया गया एक ग्लोबल इन्वायमेंटल अथॉरिटी के रूप में ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा के साथ डील करते हैं ताकि पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके यू सिस्टम के भीतर और ये इन्वायमेंट प्रोटेक्शन को एडवोकेट करते हैं पूरी दुनिया में कई सारी मेजर रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं रिलीज की जाती हैं यू के द्वारा लाइक एमिशन गैप रिपोर्ट ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक फ्रंटियर्स इन्वेस्ट इन टू हेल्थी प्लानट कुछ कैंपेन्स भी ये चलाते हैं लाइक वीट पोल्यूशन वर्ल्ड डे वाइल्ड फॉर लाइफ इसका डक्वार्टर कीनिया के नैरोबी में है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में है यानी कि सी डब्ल्यू सी एम इंडियन गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया कि वो ऐसा एक सेंटर एस्टेब्लिश करेंगे जो कि भारत का पहला वेटलैंड के लिए इस प्रकार का सेंटर होगा ये सेंटर नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट का पार्ट होगा जो कि चेन्नई में सिचुएटेड है और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वा फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत काम करता है अगर हम बात करते हैं सी डब्ल्यू की तो ये जो वेटलैंड को लेकर स्पेसिफिक रिसर्च नीड्स है उनको पूरा करेगा और नॉलेज गैप को अवेल करवाने में हेल्प करेगा ताकि हम वेटलैंड्स को अच्छी तरीके से प्रिजर्व कर सकें और इस संबंध में प्रॉपर रिसर्च कर सकें ये कुछ ऐसे एप्लीकेशंस में भी मदद करेगा ऐसे अप्रोचेस में हेल्प करेगा जिसका इस्तेमाल करके हम वेटलैंड्स को कंजर्व कर सकते हैं रिस्टोर कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं या बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं की फंक्शंस क्या होंगे इस सेंटर के ये पार्टनरशिप करेगा या अपने नेटवर्क्स को और ब्रॉड करेगा नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी ताकि हम वेटलैंड्स को कंजर्व कर सकें एक नॉलेज हब के रूप में काम करेगा जहाँ पर वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने के जो टेक्निक्स हैं या फिर जो भी अप्रोचेस हैं उनको एक तरीके से तैयार किया जाएगा ये नेशनल स्टेट और यूटी की गवर्नमेंट्स को असिस्ट करेगा कि वो ऐसे प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बनाए जिनसे हम ना केवल अच्छी तरीके से वेटलैंड को मैनेज कर सकें बल्कि उनके प्रिजर्वेशन के लिए रिसर्चेस वगैरह को भी प्रमोट कर सकें तो यह पूरा आर्टिकल हमने इस पार्टिकुलर सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया हमारा नेक्स्ट आर्टिकल शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के बारे में है उत्तराखंड की सरकार ने अभी एक स्टे लगा दिया है अपने खुद के ऑर्डर पर जिसके तहत वो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डी नोडिफाई करने वाले थे डी नोडिफाई करने का मतलब ये है कि अगर इसे डी नोडिफाई कर दिया जाएगा तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व शिवालिक एलिफेंट रिजर्व नहीं रह जाएगा हालांकि हाथी तो तब भी वहाँ रहेंगे लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी जिसके बाद डेफिनेटली इन एलिफेंट्स के लिए उनका नेचुरल हैबिटेट खत्म होगा और उन्हें नुकसान होगा इस बात को लेकर एनवोमेंटलिस्ट काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे कि उत्तराखंड की सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए खैर अभी तो स्टे लगा दिया गया है भविष्य में देखेंगे कि क्या होगा क्या उत्तराखंड की सरकार वास्तव में इसे डीनोटिफाई कर देगी जो कि निश्चित तौर पर वाइल्ड लाइफ के लिए बेहतर नहीं होगा बात करते हैं इस शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के बारे में ये उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल रीजन को कवर करता है लोकेशन मैप में देखना चाहते हैं तो देखिए इंडिया के मैप में नॉर्थ में यहां पर आपको उत्तराखंड दिखाई पड़ता है और उत्तराखंड का ये जो हिस्सा है यहां पर आपको ये एलिफेंट रिजर्व मिलेगा गढ़वाल और कुमाऊं का पूरा रीजन कवर करते हुए ठीक है इसे 2002 में नोटिफाई किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत एक एलिफेंट रिजर्व के रूप में ताकि एलिफेंट को वहां पे प्रिजर्व किया जा सके और जब से इसे एलिफेंट रिजर्व के रूप में नोटिफाई किया गया है उसके बाद से यहाँ पे हाथियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है अभी यहाँ पर हाथियों की संख्या दो के ऊपर हो गई है जब इसे नोटिफाई किया गया था तो तेरह सौ यहां पर हाथी केवल हुआ करते थे ये हाइएस्ट डेंसिटीज वाला एरिया है जहां पर एलिफेंट्स इंडिया में पाए जाते हैं बात करते हैं और कौन से ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि इंडिया का पहला नेशनल पार्क भी था वैली ऑफ फ्लार्स नेशनल पार्क नंदा देवी नेशनल पार्क दोनों मिलाकर वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनाते हैं यूनेस्को का गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क और सेंचुरी गंगोत्री नेशनल पार्क और नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर्टिकल फिशिंग कैट के बारे में है अभी हाल ही में फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस ने एक वर्ल्ड वाइड मंथ लॉन्ग कैंपेन स्टार्ट किया है इस कैंपेनिंग का उद्देश्य ये है कि लोगों को फिशिंग कैट के बारे में अवेयर किया जाए दुनिया भर में सपोर्ट गैदर किया जाए ताकि हम फिशिंग कैट को और बेहतर तरीके से कंजर्व कर सकें तो चलिए बात कर लेते हैं फिशिंग कैट के बारे में फिशिंग कैट जो हम अपने घरों में बिल्डियाँ देखते हैं उस साइज़ से दोगुने साइज की होती हैं फिशिंग कैट नॉक्टर्नल होती हैं यानी कि ये रातों में अपना शिकार करती हैं या फिर घूमती टहलती हैं मछलियों के अलावा जैसे कि नाम से स्पष्ट है ये मछलियों का शिकार करती होंगी ऑब्वियसली करती हैं अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेढक क्रेस्टेसिन्स ये जो आप इमेज में जीव देख रहे हैं ये इसका नाम है स्नेक्स बर्ड्स और जो मरे हुए जानवर होते हैं उनको जो भी स्केवेंजर्स खाते हैं उनके ऊपर भी ये हमला करके शिकार कर लिया करती हैं देखिए ये पूरे साल ब्रीडिंग करती हैं ज़्यादातर समय ये डेंस वेजिटेशन में बिताना पसंद करती हैं वाटर बॉडीज़ के आसपास बहुत अच्छी स्विमर होती हैं तभी तो मछलियों का शिकार कर पाती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करें तो ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिलेंगे कम्बोडिया में फ़िशिंग कैट की इमेजेस हमें जो बहुत एंसेंट स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ की दीवारों पर भी इनग्रेव मिलते हैं और वहाँ पर इसे क्लाट्रे कहा जाता है जिसका मतलब होता है टाइगर फिश इंडिया की बात करते हैं इंडिया में ये हिमालयन फुटहिल्स के आसपास के रीजन में मिलते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर के किनारे का जो इलाका है जो वैली वाला रीजन है वहाँ पर और वेस्टर्न घाट में ईस्टर्न घाट में कई सारी जगहों पर ये पैची डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में दिख जाएंगे आपको वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के सुंदरबन के एरिया में उड़ीसा के चिल्का चिल्कालगुन और आसपास के रीजन में भी ये हमें देखने को मिलते हैं कोरिंगा और कृष्णा मैंग्रोव्स जो आंध्र प्रदेश का रीजन है वहाँ पर भी फिशिंग कैट देखने को मिलते हैं स्टेटस की बात करते हैं कंजर्वेशन के फॉर्म में तो आई सी रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल है साइट्स के अपेंडिक्स टू में है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी टू के शेड्यूल वन में है इससे स्पष्ट है कि इन्हें काफ़ी अच्छा खासा प्रोटेक्शन दिया गया है सर्ट्स की बात करें तो वेटलैंड के आसपास ये रहना पसंद करते हैं और वेटलैंड धीमे धीमे ख़त्म हो रहे हैं एक्वाकल्चर की वजह से वहाँ पर जो वेरियस कमर्शियल प्रैक्टिस ऑप्ट की जा रही हैं उसकी वजह से और जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं सैंड माइनिंग की वजह से जो रिवर बैंक हैं वो ख़त्म हो रहे हैं एग्रीकल्चर इंटेंसिफाई हो रहा है तो जो एक नदियों और एग्रीकल्चर लैंड के बीच का गैप होता था वो कम होता जा रहा है तो इनका भी तो वो एरिया घट ही रहा है समटाइम्स इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ह्यूमंस के साथ और रिटेलिटरी किलिंग में इन्हें मार दिया जाता है अब हम फिशिंग कैट के कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स के बारे में बात करते हैं 2012 में वेस्ट बंगाल ने इसे ऑफिशियली स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया ताकि बेहतर तरीके से इसे कंजर्व किया जा सके फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस ये टीम है कंजर्वेशनिस्ट रिसर्चर्स और कुछ ऐसे लोगों की जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि फिशिंग कैट को प्रोटेक्ट किया जाए ये कोशिश करते हैं कि फिशिंग कैट और ये जिन भी जीवों के साथ अपना हैबिटेट शेयर करता है उन्हें कंजर्व किया जा सके क्योंकि कोई भी जीव आइसोलेशन में नहीं जीता वो जिन पर डिपेंडेंट है अगर वो जीव खत्म हो जाएंगे तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस ने एक बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी स्टार्ट की थी फिशिंग कैट को लेकर ऐसे एरियाज़ में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं जो इनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है जहाँ पर ह्यूमंस डोमिनेट करते हैं बिकॉज वहीं पर इन्हें ज़्यादा खतरा भी होता है तो ये पूरा आर्टिकल हमने फिशिंग कैट के बारे में डिस्कस किया हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ओरोबांके के बारे में है अभी हाल ही में इस पर एक वर्कशॉप आयोजित किया गया था इसीलिए ये न्यूज़ में था ये एक पैरासाइटिक वीड है एक परजीवी पौधा है इस तरीके से दिखता है सरसों के खेतों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है परजीवी इस प्रकार से है इसकी जो जड़ें हैं वो सरसों के पौधे के जड़ों के साथ जुड़ जाती हैं और उसके सारे पानी को खींच लेती हैं इससे जो यील लॉस होती है वो 50 परसेंट तक हो जाती है एग्रेसिव रूट पैरासाइटिक वीड है ये जो कि वेजिटेबल्स को बाकी मस्टर्ड को तो प्रभावित करता ही है इससे छुटकारा पाने का कोई एप्सोल्यूट कंट्रोल मेजर तो नहीं है लेकिन मुझे एक तरीका पता है जो मैं आपको बता सकता हूँ वो आपको कोई बताएगा नहीं बट आई एम टेलिंग यू इससे निजात पाने का सिर्फ़ एक तरीका यह है कि आप इसको उखाड़ के फेंक दीजिए काफी इनोवेटिव तरीका है ना बट इसका इस्तेमाल किया जा सकता है हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो एथेनॉल के बारे में है एज एन अल्टरनेट फ्यूल यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने अभी लोकसभा को इन्फॉर्म किया कि उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं एथेनॉल को प्रमोट करने के लिए एथेनॉल जिसे एथाइल जिसेहल भी कहा जाता है ये एक लिक्विड होता है जिसके कई सारे इस्तेमाल होते हैं अगर ये तक प्योर है तो इसका इस्तेमाल मादक पेय के रूप में मतलब तब इसे एक रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है जिसका इस्तेमाल मादक पेय के रूप में किया जा सकता है एल्कोहलिक बेवरेजेस में अगर इसकी प्योरिटी नाइन्टी नाइन परसेंट तक है तब इसे पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इसे सुगर केन मेज और व्हीट के जो पौधे हैं उससे तैयार किया जा सकता है ऐसा कोई भी पौधा जिसमें स्टार्च मिलता हो इंडिया में जो एथेनॉल है उसे सुगर केन के मोलासिस के साथ तैयार किया जाता है सुगर केन का रस निकालने के बाद जो हिस्सा बचता है उससे फर्मेंटेशन प्रोसेस के माध्यम से फर्मेंटेशन एक प्रक्रिया होती है केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स उन्हें तोड़ दिया जाता है एनोरॉबिकली यानी कि ऑक्सीजन की अप्सेंस में एथेनॉल को फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ये एक रीन्यूबल फ्यूल है क्योंकि हम प्लांट का इस्तेमाल करते हैं इसे बनाने में और प्लांट अपना फूड तैयार करते हैं सन से तो रीन्यूबल हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एथेनॉल के वो ऑक्सीजन कंटेन करते हैं इसीलिए फ्यूल पूरी तरीके से जल जाता है मतलब फ्यूल एफिशियंसी अच्छी होती है और इन्वॉर्मेंट का पोल्यूशन भी कम होता है इसीलिए कंपेरेटिवली इसे क्लीन फ्यूल कहा जाता है यह ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देता है क्योंकि इसमें कोई गमी डिपॉजिट नहीं होता ठीक है इस संबंध में गवर्नमेंट के एफर्ट्स की बात करें तो सरकार अलाउ कर चुकी है कि हम शुगर केन और ग्रीन्स के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं एथेनॉल बनाने के लिए एथेनॉल ब्रैंडेड पेट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा उद्देश्य यह था कि हम एथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड कर देंगे इसके कई सारे फायदे होंगे पोल्यूशन कम होगा चूँकि हम पेट्रोल इम्पोर्ट ही करते हैं तो हमारा फॉरेक्स बचेगा इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी इस पूरे प्रोग्राम के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दे दी गई थी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल दो हज़ार लॉन्च किया गया इस पॉलिसी में भी एक टारगेट रखा गया है कि दो तक हम पेट्रोल में एथनॉल ब्रेंडिंग बीस तक लेकर जाएंगे देखिए ब्रुकेशिया नाना यहाँ पर जो वर्ड नाना है ये हमारे नाना जी को इंडिकेट नहीं करता है रैदर ये नैनो वर्ड से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है टिनी या फिर छोटा तो इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रुकेशिया नाना कुछ ऐसा होगा जो छोटा होगा एक्चुअली में ये एक कैमेलियन है यानी कि ये गिरगिट है जैसा कि आप इमेज इमेज में देख सकते हैं और चूंकि ये छोटा है तो कितना छोटा है इतना छोटा है कि आपके फिंगर पे आ जाएगा इसे अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने खोजा है जो जर्मनी और मेडागास्कर से बिलोंग करते थे इसे मेडागास्कर में खोजा गया है और ऐसा माना जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे छोटा एडल्ट रेप्टाइल है या सरसर्प है इसकी जो डिस्कवरी है उसे एक जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में रिपोर्ट किया गया बात करते हैं इस कैमेलियन के बारे में गिरगेट के बारे में इसे माना जा रहा है कि दुनिया का सबसे छोटा एडल्ट रेप्टाइल है इसकी जो टोटल लेंथ है मेल में 21.6 मिलीमीटर mm पॉइंट है जबकि फीमेल स्लाइटली लॉन्गर है 28.9 मिलीमीटर mm. पॉइंट इसके पहले यह माना जा रहा था कि ब्रुकेशिया माइक्रा सबसे छोटा रेप्टाइल है लेकिन इसकी डिस्कवरी के बाद अब यह स्टेटस इसको दिया जाएगा अभी कुछ स्पेसिफिकेशंस तो और डिसाइड किए जाने हैं तो यह पूरा आर्टिकल ब्रोकेशिया नाना के बारे में था हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 के बारे में है अभी हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसे इनाग्रेट किया ये 10 फरवरी से 12 फरवरी तक चलेगा देखिए ये एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है जिसे टेरी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ये टी जो है ये द को इंडिकेट करता है हालांकि हमेशा से ये द नहीं था देखिए जो समिट है इसका उद्देश्य ये होता है कि जो दुनिया भर की गवर्नमेंट्स हैं हैंकेडमिशियंस हैं बिजनेस लीडर्स हैं क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं सिविल सोसाइटीज हैं वो एक साथ मिलकर आए इस समिट में और हम क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर एक लड़ाई लड़ें अब यहाँ पर देखिए जो समिट है इस बार इसका थीम रहा रीडिफाइनिंग आर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर इन्वॉयमेंट फॉर ऑल जो समिट है इसमें कई सारे टॉपिक्स पर बातचीत होती है लाइक क्लाइमेट फाइनेंस सर्कुलर इकोनॉमी एनर्जी एंड इंडस्ट्री ट्रांजिशन एडाप्टेशन एंड रेजिलियंस नेचर बेस्ड सोल्यूशन क्लीन ओशन एंड एयर पोल्यूशन कई सारी मिनिस्ट्रीज इसकी की पार्टनर होती हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यल एनर्जी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वामेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंसेस। समिट को इस आधार से तैयार किया जाता है कि जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के या पेरिस सेग्रीमेंट के उनको एक साथ इंकॉर्पोरेट किया जाए बात करते हैं द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी के बारे में इसका पहले भी नाम टेरी ही था लेकिन तब इसका फुल फॉर्म कुछ और था इसे 1974 में बनाया गया था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के फॉर्म में बाद में टाटा को द से रिप्लेस कर दिया गया नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है रिसर्च वर्क करता है एनर्जी इन्वामेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फील्ड में इंडिया और जो ग्लोबल साउथ है मतलब विश्व का वो हिस्सा जहां पर लोग रहते हैं उसका जो सदन पार्ट है ये इक्वेटोरियल साउथ से डिफरेंट होता है इसकी लोकेशन जो है वो न्यू डेली में है आर्टिकल गेंदे के फूल की एक नई प्रजाति के बारे में है यानी कि मैरीगोल्ड की एक नई प्रजाति जिसका नाम अर्का शुभ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ने गेंदे के फूल की एक नई वैरायटी को अभी हाल ही में डेवलप किया है निश्चित तौर पर आपने इस फूल को अपने आसपास ज़रूर से देखा होगा ये एक हर्वेशियस प्लांट है मतलब इसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू भी होती है ये सनफ्लावर की एक फैमिली एस्ट्रेशिया से बिलोंग करता है ये फ्लावर ओरिजिनली अमेरिकाज में पाया जाता था साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ अमेरिका हालांकि धीमे धीमे, धीमे दुनिया की कई सारी लोकेशंस पे इसे नेचुरलाइज्ड वे में उगाया जाने लगा हमारे आसपास भी ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली मिल जाएगा अब आइए इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं देखिए गेंदे के फूल में कैरोटीन पाया जाता है कैरोटीन एक ऐसा सब्सटांस है जिसका इस्तेमाल कई तरीके की मेडिसिन में किया जाता है जनरली गेंदे का फूल अगर स्पॉइल हो जाए बेकार हो जाए हैवी रेन की वजह से या फिर उसे सही समय से ना तोड़ा जाए उसकी वजह से तो हम ये कैरोटीन खो देते हैं लेकिन ऐसा इस वैरायटी के साथ नहीं है थोड़ा बहुत स्पॉइल हो जाने के बाद भी इस पौधे से कैरोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है दूसरी ओर इसमें कैरोटीन की जो मात्रा है वो भी ज़्यादा है सामान्यतः मैरीगोल्ड में जो कैरोटीन पाया जाता है वो वन पॉइंट फोर परसेंट होता है जबकि यहाँ पे जो कैरोटीन कंटेंट है वो टू पॉइंट एट परसेंट पाया जाता है जो कि किसी भी प्लांट सोर्स में हाइएस्ट है इसका इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल सेक्टर में किया जाता है आज वर्तमान में जो कैरोटीन कंटेंट है उसे इंडिया चाइना से इम्पोर्ट करता है बाकी देशों से भी लेकिन अगर हम इस वैरायटी के मैरीगोल्ड को उगाते हैं तो भारत इस फील्ड में सफिशियंसी सेल्फ सफिशियंसी अवेल कर सकता है देखिए गेंदे के फूल के और भी कई सारे इस्तेमाल होते हैं जैसे कि इनका इस्तेमाल सजावट के लिए किया जाता है पोल्ट्री सेक्टर में मुर्गियों को भी ये फ्लावर्स खिलाए जाते हैं जो फूल की पेटल्स होती हैं उनको वो खा के अच्छी क्वालिटी के जो अंडे हैं वो देती हैं और शीप्स वगैरह को भी इनको खिलाया जाता है नेक्स्ट आर्टिकल फ़िश पास के बारे में है अभी हम बात कर रहे थे कि जब मॉडर्निटी ट्रेडिशन के साथ मिलती है तो हमें बहुत ही इनोवेटिव रिजल्ट मिलते हैं लेकिन जब मॉडर्निटी इकोलॉजी में हस्तक्षेप करती है तो उसके कई सारे निगेटिव एस्पेक्ट होते हैं ऐसा ही कुछ यहाँ पर हम बराजेस और डैम्स के बारे में कह सकते हैं कई बार जो मछलियाँ होती हैं वो किसी भी नदी में बहुत लंबी दूरी तय करती हैं समटाइम्स इसलिए ताकि वो जहाँ अंडे दे रही हैं वहाँ पर कंडीशन फेवरेबल हों लेकिन हम क्या करते हैं हम बीच में कोई डैम या फिर बराज बना देते हैं इससे उस मछली का रास्ता रुक जाता है फिर वो ऐसी जगहों पर अंडे देती हैं जहाँ पर फेवरेबल कंडीशन नहीं होती इन दैट केस फिश की उस प्रजाति के एक्सटिंक्ट होने का खतरा बना रहता है बिल्कुल ऐसा ही हिल्सा फिश के साथ होता है हिल्सा फिश काफ़ी लंबी दूरी तय किया करती थी गंगा नदी में देखिए हिल्सा फिश सामान्यतया वे बंगाल के खारे पानी में रहती हैं लेकिन जब सर्दियों का समय आता है तो ये पदमा नदी में एंटर करती हैं जो कि गंगा का नाम है बांग्लादेश में और ये ट्रेवल करते हुए फरक्का बराज के बनने से पहले इलाहाबाद तक आती थी लेकिन बीच में हमने जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है बीच में हमने फरक्का बराज बना दिया तो इनका मूवमेंट यहाँ पर रुक गया अभी जो गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है इकोलॉजी को लेकर इन मूवमेंट को लेकर तो उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना हम मछलियों को एक रास्ता दें रास्ता देने के लिए एक फिश पास बनाया गया फरक्का बिराज में जिसमें एक रूट तैयार किया गया ऐसा रूट जिस पर एक जेंटल स्लोप हो और छोटी छोटी सीढ़ियां हो जिस पर यह मछली आसानी से चढ़ सके अब इस सीढ़ी पर पानी के फ्लो को कंट्रोल करना होता है मतलब पानी का फ्लो इतना होना चाहिए कि मछली इस पानी में तैर सके और ऊपर चढ़ सके लेकिन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि ये बहाव मछली को ऊपर चढ़ने से रोके या इन्हें नीचे ढकेल दे तो इसी तरीके से एक फिस्ट पास 2019 में गवर्नमेंट ने डेवलप किया जिसके काफी काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं फरक्का बिराज को नाइनटीन में डेवलप किया गया नाइनटीन में इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो फाइनल हुआ था उसके बाद से ही हल्सा फिस का मूवमेंट रुक गया जो फर्स्ट पास है इसमें देखिए फिश लैडर्स होंगे जो मछलियों को एक रास्ता देंगे आगे बढ़ने का इसमें छोटे छोटे स्टेप्स होंगे जिनको चढ़कर ये मछलियाँ ये कोई भी ऑब्स्टिकल डैम हो या फिर बराज हो उसे क्रॉस कर सकती हैं बाकी यहाँ पर पानी के कंट्रोल को मूवमेंट को कंट्रोल कैसे किया जाता है इस पर अभी हमने चर्चा की कि एडिक्वेट रहना चाहिए ताकि मछली तैर सके और इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो उसे रोके अब आइए हल्सा फिश के बारे में बात करते हैं इसका साइंटिफिक नाम टेनुआलोसा एलिशा है ये एक प्रकार की एनाड्रोमस फिश है जो नदियों के फ्लो के विपरीत माइग्रेट करती हैं ये अपना ज़्यादातर जीवन समंदर में बिताती हैं लेकिन जब इन्हें स्पॉनिंग करना होता है अंडे देने होते हैं तो सर्दियों के मौसम में या रेनी सीजन में ये एश्यूरिज की ओर आगे बढ़ती हैं और फिर गंगा नदी में एंटर कर जाती हैं या पदमा में उसके बाद देखिए कई बार ये गोदावरी में और रिजल्ट तो ऐसे भी मिले हैं कि ये कावेरी नदी नदी तक जाती हैं ठीक है तो ये सारी बातें हल्साफ इसके बारे में हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इबोला के बारे में है इबोला का भी हाल ही में एक नया केस डायग्नोज किया गया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में लोकेशन देखिए ये है मैप में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की लोकेशन ये एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है जो कि लैंड लॉक्ड है आर्टिकल करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है पिछले चौदह दिनों में छः हाथियों की जान अभी तक कल्लापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा चुकी है इन्वेस्टिगेशन्स में ये पाया गया कि ये मौतें हैं हेम्रेज हैं। सेप्टीसीमिया से हो रही हैं जो कि एक बैक्टीरियल डिसीज़ है ज़्यादातर कैटल्स को अफेक्ट करता है और मोर्टेलिटी रेट इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है बात करते हैं करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सबसे पहले लोकेशन देखिए यह है इंडिया का मैप और यहाँ पर है उड़ीसा उड़ीसा के मैप को आप थोड़ा जूम करेंगे तो यहाँ पर इस जगह पे आपको सेंचुरी मिल जाएगा उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है की अगर बात करें तो यहां पर आपको लेपर्ड गौर, सांभर, नील गाय, बार्किंग डियर, माउस डियर सॉफ्ट क्लॉज ओटावा ये सभी मिल जाएंगे इसे सेंचुरी के तौर पर फर्स्ट टाइम नोटिफाई किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1992 में फ्लोरा की बात करें तो ईस्टर्न हाईलैंड के जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चित्तौरा लेक के बारे में है हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि वो फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे महाराजा सुहेल देव मेमोरियल का एट द सेम टाइम चित्तौरा लेक को भी डेवलप किया जाएगा चित्तौरा लेक या चित्तौरा झील एक इम्पॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज साइट है जो कि उत्तर प्रदेश के बहराइच डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी इसे अष्टवक्र झील भी कहा जाता है अष्टवक्र झील क्यों कहा जाता है आपको जवाब मिल जाएगा जो तेरी नदी है या टेरी नदी वो इस लेक से होकर गुजरती है देखिए ऐसी मान्यता है कि चित्तौरा लेक के किनारे ही जो राजा सुहेल देव हैं उन्होंने गाजी सैयद सलर मसूद की सेना को जून 1033 थाउजेंड में हरा दिया था सलार मसूद एक लाख की सेना लेकर हमला करने आया था जहां पर राजा सुहेल देव ने सत्रह और राजाओं के साथ अलायंस करके वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड की आर्मी को तैयार किया था और फाइनली सलार मसूद को हरा दिया था अष्टवक्र मुनि जो कि महाराज जनक के गुरु माने जाते हैं उन्होंने भी अपना आश्रम इसी लेख के किनारे बसाया था डैट्स वाई इसे अष्टवक्र लेख भी कहा जाता है यहाँ पर बसंत पंचमी के अवसर पर मेला भी आयोजित किया जाता है महाराजा सुहेल देव के बारे में बात करें तो इलेवंथ सेंचुरी के श्रावस्ती के राजा थे ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश का बराइज डिस्ट्रिक्ट है ये इन्होंने ही गजनवी का जो जनरल था गाजी सैयद सलाद मसूद उसे हराया था सेवनटीन सेंचुरी के जो पर्शियन लैंग्वेज हिस्टोरिकल रोमांस है मिराते मसूरी उसमें भी महाराजा सुहेल देव का जिक्र है इसे अब्दुल रहमान चिश्ती के द्वारा लिखा गया है आर्टिकल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में है इस स्कीम को 32 स्टेट्स और यूटी में इंप्लीमेंट किया जा रहा है इस स्कीम को 5 दिसंबर 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया था इस स्कीम के तहत सोइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है मतलब मिट्टी की स्थिति कैसी है विलेज लेवल पे सॉइल टेस्टिंग लैब स्टैब्लिश किए जाएंगे जहाँ पर उन यंगस्टर्स को डिप्लॉय किया जाएगा जो एग्रीकल्चर में एजुकेटेड हैं वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप और एफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा अब क्योंकि जिन यंगस्टर्स ने एग्रीकल्चर की पढ़ाई की हुई है उनके स्किल के अकॉर्डिंग इस स्कीम के तहत उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाएगा सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो एक प्रिंटेड रिपोर्ट होती है जो किसी भी फार्मर को सौंपी जाती है उसकी मिट्टी की टेस्टिंग के बाद ये बताते हैं कि लगभग छः क्रॉप्स के लिए किस प्रकार के फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत आपकी ज़मीन को है इसका इस्तेमाल करके किसान अच्छी फसल पा सकता है ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल हैं कि सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करें ताकि फार्मर्स का प्रॉफिट बढ़े एग्रीकल्चर में जो भी यंगस्टर्स पढ़ चुके हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले सॉइल एनालिसिस की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन फार्मर्स के पास हो एट द सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट के पास भी हो सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को डेवलप किया जाएगा फार्मर्स के घरों तक उसे पहुंचाया जाएगा सॉइल हेल्थ कार्ड की सिग्निफिकेंस कुछ इस प्रकार से है कि सॉइल की कंपोजिशन का एनालिसिस हर दो साल में स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचता रहेगा इसकी मदद से वो ये जान सकते हैं कि राज्य के किन हिस्सों में सॉइल की क्या कंडीशन है उसके हिसाब से कार्यवाही की जा सकती है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसे और ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे एग्रेरियन यूथ को ज़्यादा फ़ायदा होगा और नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी ये सारी बातें सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मैंड्रन डक के बारे में है बहुत ही खूबसूरत डक होता है ये आप इमेज में भी देख सकते हैं मगौरी मोतापुंग बिल जिसे आप वेटलैंड भी कह सकते हैं ये आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पर एक डक मैंड्रन डक देखा गया जिसके बाद ये न्यूज़ में आया काफ़ी खूबसूरत होता है फॉर द फर्स्ट टाइम इसे 1758 में स्पॉट किया गया था जो स्वीडिश बॉटनिस्ट फिजिशियन और जुलॉजिस्ट हैं कार्ल लिन्योस उनके द्वारा ये स्मॉल एक्जॉटिक लुकिंग बर्ड होता है छोटा और बहुत ही खूबसूरत होता है ईस्ट एशिया का नेटिव है इसका एक माइग्रेटरी पाथ है ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं इसके माइग्रेटरी पाथ में रशिया कोरिया जापान और चाइना का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आता है सिंपली इंडिया नहीं आता इसीलिए ये इंडिया में रेयर हैं इंडिया में जल्दी दिखते नहीं दैट्स द रीज़न कि जब ये मगौरी मोतापुंग बिल में दिखे तो न्यूज़ में आ गए जो डक है ये इंडिया को रेयरली विजिट करते हैं गोले भटके आ गए तो आ गए नहीं इधर नहीं आते आयु स्टेटस लीस्ट कंसर्न है इंडिया में नहीं दिखते इसका मतलब ये नहीं कि है ही नहीं बहुत बड़ी संख्या में यूरोप में है लेकिन इंडिया में चूंकि इनका पाथ नहीं आता माइग्रेट करने का तो इसलिए इंडिया में ये लोग आते भी नहीं है इसलिए जब कभी भी यहां पर आ जाते हैं इनका रेयर अपेयरेंस होता है तो सिग्निफिकेंट माना जाता है ठीक है बात करते हैं मगौरी मोतापुंग बिल के बारे में ये इसे इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया गया था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा आसाम में ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है इसके साउथ में ये लोकेशन है मगौरी की यहीं पर यह बिल आपको मिलेगी डिब्रू डिब्रूसोंब नेशनल पार्क के काफ़ी नज़दीक में है इसका जो पूरा इको है ये कई सारी एंडेमिक वर्ड्स के लिए काफ़ी बढ़िया एरिया होता है लाइक ब्लैक ब्रेस्टेड पैरटविल या फिर मार्स बैबलर ये सारी बातें मैंट्रेन डक के बारे में हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जाइंट लेदर बैग टर्टल के बारे में है अभी प्रस्ताव है कि अंडमान एंड निकोबार में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पोर्ट वगैरह का जो एरिया है उसे डेवलप किया जाए और टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए इस बात को लेकर जो कंजर्वेशनिस्ट हैं वो काफ़ी चिंतित हैं क्योंकि जाइंट लेदर बैग टर्टल वहीं पर नेस्टिंग करती हैं तो अगर वहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो इनकी प्रजाति को नुकसान होने की संभावना है जाइंट लेदर बैग टर्टल लेदर बैग क्योंकि इनकी जो इनका जो कवच होता है वो सख्त नहीं होता जैसे बाकी टर्टल्स का होता है लेदर वो लेदर की तरह होता है लचीला होता है सात सी टर्टल्स की प्रजाति इस धरती पर पाई जाती है जिसमें ये सबसे बड़ा है सबसे बड़ा होने का मतलब क्या है सबसे बड़ा मतलब कितना बड़ा देखिए जो इनकी लंबाई है जो इनका पूरा आकार है वो सात फिट से दस फिट तक का हो सकता है और इनका जो वेट है वो 500 से 700 सौ तक का हो सकता है तो क्या आप अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि कितने बड़े होते होंगे अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो ये इमेज देखिए इंसान के कंपेरिजन में आप इसके साइज़ को देख सकते हैं इवन ये इससे भी बड़े हो सकते हैं तो ये एक इमेज के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जाइंट लेदर बैग टर्टल्स कितने बड़े होते हैं जाइंट लेदर बैग टर्टल इनका नाम इनकी शेल से आता है जो इनका कवच होता है वो लेदर की तरह होता है उतना सख्त नहीं होता जितना कि बाकी के टर्टल्स का होता है ये लॉन्ग रेंजिंग टर्टल्स हैं मतलब ये लगभग सभी ओशन्स में मिल जाएंगे आर्कटिक और अंटार्कटिक ओशन को छोड़कर लगभग हर जगह आप इन्हें देख सकते हैं लेकिन नेस्टिंग ये केवल स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही करते हैं लाइक इंडोनेशिया श्रीलंका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंडियन ओशियन में यही ऐसी लोकेशंस है जहाँ पर ये नेस्टिंग करते हैं कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो आई में वलरबल रखा गया है और इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन के शेड्यूल वन में रखा गया है एक बड़ी संख्या में जैंट लेदरबैक टर्टल्स जो हैं उनकी नेस्टिंग को रिकॉर्ड किया जाता है लॉन्ग और वाइड बीचेस पर कहाँ पर डगमार और एलेक्जेंडेरा जो रिवर्स हैं ये सब अंडमान निकोबार आइलैंड के रिवर्स का यहाँ पर जिक्र किया गया है या फिर गैल्थिया रिवर इनके कोस्टल रीजन पे इनकी नेस्टिंग को देखा जाता है यूनिकनेस की बात करें तो ये अपने रेप्टेलियन रिलेटिव्स की तुलना में जो बाकी और प्रजातियाँ हैं रेप्टाइल्स की उसके कंपेरिजन में ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कोल्ड वाटर में भी वार्म मेंटेन कर सकते हैं तो ये इनकी एक खासियत होती है ये सारी बातें जाइंट रिजर्वैक्ट टर्टल के बारे में हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सीला कैंथ के बारे में है क्या हो अगर एक मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाए ये निश्चित तौर पर हमारे लिए भयानक होगा लेकिन वैज्ञानिकों को बड़ा मजा आता है क्योंकि तब उन्हें रिसर्च के लिए एक सब्जेक्ट मिल जाएगा निश्चित तौर पर हम जॉम्बीज की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एक जाइंट फिश के बारे में जिसके जीवाश्म को फॉसिल्स को अभी हाल फिलहाल में वैज्ञानिकों के द्वारा या जो जीवाश्म वैज्ञानिक हैं पैलियोटोलॉजिस्ट उनके द्वारा खोजा गया ये बताया जा रहा है कि ये 66 मिलियन ईयर्स पुराने हैं जो कि सेरा से बिलोंग करते हैं ये जुरासिक पीरियड के बाद का समय है देखिए ये जो मछली है जाइंट फिश ये बहुत कम मिलती है डीप सी क्रिएचर है गहराइयों में रहती है यानी कि लगभग तेईस फीट नीचे काफी लंबे समय तक ये मान्यता थी कि ये मछली उसी समय खत्म हो गई जब डायनासोर्स खत्म हुए ये मान्यता काफी लंबे समय तक थी लेकिन 1938 में फॉर द फर्स्ट टाइम इसे डिटेक्ट किया गया जब ये मछली 1938 में हमें पहली बार मिली तो बहुत लंबे समय तक जिंदा नहीं रही तो हम प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाए लेकिन 10 साल बाद ये वापस से मिली तो हमने प्रॉपर स्टडी की स्टडी में ये देखा गया कि जब इसे वापस से दोबारा पाया गया लगभग सिक्सटी मिलियन ईयर्स के बाद तो इसके स्ट्रक्चर में इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ खास चेंजेस नहीं हुए थे मतलब जो इसके पहले हमें फॉसिल्स मिले थे जिनसे हमें जानकारी मिली थी कि 65 मिलियन ईयर्स एगो कैसे रहे होंगे बिल्कुल वैसे ही ये बाद में भी मिले इनकी लोब फिंड ये एक लोब फिंड फिस है मतलब इनकी जो साइड के फिल्स होते हैं ये हमारे हाथों जैसे होते हैं तो इस तरीके से चूंकि इनमें खास परिवर्तन नहीं आया था तो इन्हें लिविंग फॉसिल कहा जा सकता है इनकी केवल दो नॉन स्पीसीज हमें मिली हैं आज तक एक तो अफ्रीका तो के ईस्ट कोस्ट पर कॉमरोस आइलैंड के आसपास देखिए ये है अफ्रीका और यहाँ पर है मेडागास्कर और यहाँ बीच में आपको कॉम्रोस आइलैंड मिलेगा और जो दूसरी प्रजाति है वो इंडोनेशिया के सुलावेसी के आसपास के इलाकों में ये सुलावेसी का इलाका है तो इसके आसपास के पानी के इलाके में ये मछली हमें मिली है तो इन्हीं दो जगहों पर अभी तक ये मछली हमें मिली है तो इन्हें फु... लिविंग फॉसिल कहा जाता है लिविंग फॉसिल का मतलब क्या है लिविंग फॉसिल का मतलब ये है कि कोई ऐसा जीव जिसके बारे में बहुत लंबे समय से लगता हो कि वो खत्म हो चुका है लेकिन अचानक से वो हमें वापस मिल जाए लेकिन जब हमें वो वापस मिले तो जो पुराना जीव बहुत लंबे समय पहले रहा होगा उसके जेनेटिक अथवा फिजिकल स्ट्रक्चर में कुछ खास चेंज ना हुआ हो तो उसे लिविंग फॉसिल कहते हैं वैसे सीला कैंथ अकेला लिविंग नहीं है हॉर्सू क्रैब और जिनको ट्री लिविंग फॉसिल के एग्जाम्पल हैं हालांकि अभी जब हमें स्टडी करने को मिला सिला कैंथ के बारे में तो पता चला कि 62 नए जीन्स ऐड हो गए हैं इसमें 10 मिलियन साल पहले से ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुए होंगे इसकी स्टडी से निश्चित तौर पर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में भी या जीवी का जो डेवलपमेंट हुआ है इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में जानकारी मिलेगी इससे यह क्लियर होता है कि इवोल्यूशन तो इनका भी हुआ है हाँ थोड़ा धीमा हुआ है यहाँ पर आयु स्टेटस देखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड है सेरा कैंथ का सुलावेसी सेरा कैंथ जो है उसका स्टेटस वनरेबल है साइड्स के अपेंडिक्स वन में रखा गया है ठीक है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल थ्री सिटीज ऑफ वर्ल्ड के बारे में है अभी हाल ही में हैदराबाद ने ग्रीन कॉन्टेस्ट को जीतकर ट्री सिटीज ऑफ दी वर्ल्ड का दर्जा प्राप्त कर लिया है ये टाइटल दिया जाता है एरबॉर्ड ए फाउंडेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हैदराबाद को सेलेक्ट किया गया है उनकी कमिटमेंट की वजह से जो उन्होंने अर्बन फॉरेस्ट्री को लेकर इंश्योर की है अपने एक इनिशिएटिव के माध्यम से दैट इज़ हरिथा हरम प्रोग्राम और अर्बन फॉरेस्ट पार्क प्लान उनके इन इस इनिशिएटिव की वजह से उन्हें ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है इस रिकॉग्निशन के बाद हैदराबाद दुनिया के उन 120 शहरों में से है जो तेईस देशों से बिलोंग करते हैं जिसमें यूएस यूके कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हैं जो अपने शहर में पेड़ों को या ग्रीनरी को बढ़ावा देते हैं सिटीज़ को पांच बेसिस पे इवेलुएट किया जाता है कि उन्होंने कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं कौन कौन से रूल्स तैयार किए हैं क्या उनको ये पता है कि उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं का कैसे हो रहा है और अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं तो है, है। अवार्ड अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को दिया गया दिया किसने ये अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड नेशनमेंट प्रोग्राम की यू एन के द्वारा यहाँ पर मुद्दा अवार्ड का नहीं है मुद्दा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का है वैसे ये अवॉर्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को तीन साल में दूसरी बार मिला है इस बार उनको यह अवार्ड इनोवेशन कैटेगरी में मिला है 2018 में भी यह अवार्ड उनको इनोवेशन कैटेगरी में ही दिया गया था बात करते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में यह स्टेचुरी बॉडी है जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन के तहत बनाया गया है यह मिनिस्ट्री ऑफ इन्वॉर्मेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत काम करती है यानी कि इनकी पेरेंट एजेंसी वही है मैंडेट की बात करें तो इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि जो वाइल्ड लाइफ यानी कि जानवरों और जीवों को लेकर क्राइम हो रहा है देश में उसे रोका जाए

ओल्डेस्ट डीएनए रिकवर किया था उसे सिक्वेंस किया ये जो डीएनए उन्हें मिला है वो मैमथ के दांतों से मिला है जो साइबेरिया में 1.2 मिलियन ईयर्स एगो रहा करते थे देखिए मैमथ हाथियों जैसा ही एक जीव होता है इसके पहले तक हमारे पास जो ओल्डेस्ट डीएनए था वो एक घोड़े का था जो कनाडा के यूकॉन टेरिटरी से हमें मिला था वो 7 लाख ,00 साल पुराना था लेकिन अभी जो मैमथ का डीएनए वैज्ञानिकों के हाथ लगा है वो 1.2 मिलियन ईयर्स एगो का है यानी कि 12 लाख साल पुराना है मैमथ के बारे में इससे हमें अच्छी जानकारी मिलेगी उनका इवोल्यूशन उनका माइग्रेशन कैसे हुआ और कैसे चेंजेस हुए उनमें जब वो लगभग पांच मिलियन साल पहले थे और चार साल पहले तक जब वो एक्सटिंक्ट हुए मैमथ होते क्या है एग्जैक्टली exactly इनके बारे में जानते हैं मैमथ हाथियों की एक एक्सटिंक्ट प्रजाति है स्पीसीज है जो कि एलिफेंटाइड मैमथस जीनस से बिलोंग करती है मैमथ हाथियों जैसे ही होते थे समटाइम्स उनका साइज हाथियों से बड़ा होता था बाहर ज़्यादा बड़ा होता था उनकी चमड़ी मोटी होती थी क्योंकि वो सर्दी वाले इलाकों में रहते थे उनके पूरे शरीर पर घने बाल होते थे और उनके जो दांत होते थे वो भी वर्तमान के हाथियों की तुलना में बड़े होते थे वर्तमान के हाथियों के दांत आपको 11 फिट तक मिलेंगे और जो मेमत हुआ करते थे उनके दांत 15 फिट तक होते थे वो भी कर्व्ड फॉर्म में होते थे जो टस्क होते हैं बाहर के जो दांत होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं ये पांच मिलियन साल पहले से लगभग चार हजार साल पहले तक थे लास्ट जो आइस एज खत्म हुआ है दस हजार साल पहले उस दौरान महमत लगभग एक्सटिंग कर गए थे कुछ एक रह गए थे जो चार हजार साल पहले खत्म हुए ये यूरोप अफ्रीका एशिया और नॉर्थ अमेरिका तक फैले हुए थे और एलिफेंटाइट फैमिली से बिलोंग करते थे जो एलिफेंटाइट फैमिली है दो जो जेनरा है मॉडर्न एलिफेंट्स का वो इसी से बिलोंग करता है और उनके एनसेस्टर्स तो ये सारी बातें साइबेरियन मैमथ के बारे में इंपॉर्टेंट आर्टिकल कार्बन वॉच के बारे में है कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी हाल ही में चंडीगढ़ इंडिया का फर्स्ट स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी बन गया है जिसने कार्बन वॉच को लॉन्च किया इनफैक्ट चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है अब ये कार्बन वॉच है क्या कार्बन वॉच एक मोबाइल एप्लीकेशन है ये मोबाइल एप्लीकेशन करेगा क्या ये असेसमेंट करेगा असेसमेंट किस चीज़ का करेगा हर व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का असेसमेंट करेगा अब ये कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है देखिए कार्बन फुटप्रिंट बिल्कुल नॉर्मल फुटप्रिंट के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं फुटप्रिंट अगर आप गीली मिट्टी में अपना पैर रख दें तो आपको अपने फुटप्रिंट दिखाई पड़ेंगे मतलब ये इम्पैक्ट है जो आपने उस मिट्टी पर क्रिएट किया है बिल्कुल वैसे ही कार्बन फुटप्रिंट होता है मतलब आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से कितनी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ है आपने अटमॉसफियर पर क्या इम्पैक्ट डाला है इस एमिशन की वजह से वो आपका कार्बन फुटप्रिंट होता है अब देखिए सपोज करिए कि आप कोई कार या फिर बाइक चला रहे हैं तो आप फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं उस फ्यूल की वजह से एमिशन होता है आपका कार्बन फुटप्रिंट केवल उस फ्यूल के एमिशन तक सीमित नहीं होता रेदर वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है लाइक उस बाइक या फिर कार की मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस का एमिशन किया गया होगा रैदर वो फ्यूल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कच्चे तेल के रूप में आया होगा उसे रिफाइन किया गया होगा उसे ट्रांसपोर्ट करके आपके नज़दीकी जो फ्यूल स्टेशन है वहां तक लाया गया होगा पेट्रोल पंप तक लाया गया होगा इन सब एक्टिविटीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हुआ है आपकी भी उसमें हिस्सेदारी है तो वो भी आपके कार्बन फुटप्रिंट का हिस्सा है आई होप आप कार्बन फुटप्रिंट का मतलब समझ गए होंगे अब ये जो एप्लीकेशन है ये काम कैसे करेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक आपने कोविड नाइनटीन के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा आरोग्य सेतु वहां पे आप जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसी के बेसिस पे वो एवेल्युएशन करता है अगर आप कह देंगे कि नहीं आपको कोई लक्षण नहीं है चाहे हो तो वह वो इवेल्यूशन नहीं कर पाएगा बिल्कुल वैसे ही ये भी करेगा इसमें आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी जैसे आपका डेली वाटर कंजम्पन कितना है आप कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं कितनी मंथली इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम आप करते हैं वेस्ट आप कितना जनरेट कर रहे हैं और जो वेक्युलर मूवमेंट आपका है वो कितना है आप उसको इन्फॉर्मेशन देंगे और जब आप उसको इस एप्लीकेशन को इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो आपको बताएगा कि आपका कार्बन फुटप्रिंट कितना है आपके डेटा के बेसिस पे एट द सेम टाइम वो आपको एवरेज भी बताएंगे कि नेशनल एवरेज क्या है कार्बन फुटप्रिंट का पर इंडिविजुअल पे और वर्ल्ड का एवरेज क्या है अब ये आपको एक विजिलेंट इंडिविजुअल होने के नाते खुद से करना पड़ेगा अपना कार्बन फुट फुटप्रिंट जानने के लिए अगर आप उस एप्लीकेशन को गलत जानकारी दे देंगे तो फिर वो आपको कुछ भी नहीं बता पाएगा ठीक है तो यहां पर देखिए सोल्यूशन एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो आपको तरीके भी बताएगा लाइक like, अगर आपका कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है तो आप क्या करें कि आपका कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाए तो आपको सोल्यूशन भी बताएगा तो ये सारी बातें कार्बन वॉच के बारे में हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कोआला के बारे में है कॉन्टेक्स्ट क्या है न्यूज में था यही कॉन्टेक्स्ट है और कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है न्यूज में क्यों था ज़रूरी बात नहीं है एक कोआला का एक पैर नहीं था दाहिना वाला तो किसी डॉक्टर ने एक आर्टिफिशियल पैर लगा दिया तो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स वालों को बहुत मजा आ गया और उन्होंने इसे न्यूज़पेपर में छाप दिया अब कहीं पेपर सेट करने वाले की निगाह उधर चली गई तो आपके लिए समस्या हो जाएगी समस्या ना हो इसीलिए हम इसे डिस्कस कर लेते हैं ये एक ऑस्ट्रेलियन एनिमल है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है इसे कई बार कोआला बियर भी कहते हैं बियर की तरह देखने में लगता है बड़ा क्यूट सा होता है आप इमेज में देख सकते हैं ये मार्सुपियल्स होते हैं मार्सुपियल्स ऐसे जीवों को कहा जाता है जो अपने बच्चों को रखने के लिए जो उनकी मादा होती है उसके पास एक थैली होती है जैसे कंगारूज में होती है बिल्कुल वैसे ही ये मैमल्स अपने बच्चे को अपने पेट के एक पैकेट में पाउच में रखते हैं बच्चा छः महीने तक उसी पाउच में ही रहता है बहुत छोटा सा पैदा होता है कोआला के पास बहुत ही मोटे फर होते हैं जो कि सीप यानी कि भेड़ के ऊन के जैसे होते हैं इनके देखिए दो अंगूठे होते हैं दो टोज होते हैं आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं इसका ये करते क्या है इससे ये अपने बाल झाड़ते हैं इतने खूबसूरत बालों को झाड़ने के लिए एक नेचुरल कंघा भी चाहिए होगा तो वो नेचर ने इनको पहले से ही दे रखा है हैबिटेट की बात करें तो ये प्टस फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं यूकेलेप्टस के पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं ये उसे खाते हैं और उसी पेड़ पर सो भी जाते हैं ये लगभग दिन में एक के पत्ते खा जाते हैं अच्छे अच्छे चुनकर और उसके बाद अट्ठारह घंटे सोते हैं दिन में अठारह घंटे सोते क्यों है कोई भी एक डेढ़ फिट का जानवर एक के पत्ते चबा जाएगा तो वो तो अठारह घंटे सोएगा ही वाजिब सी बात है आयु की रेड लिस्ट में जो उनका स्टेटस है दैट इज वरेबल तो अब ये थर्ड्स की बात करते हैं देखिए कोई जानवर जल्दी इनका शिकार नहीं कर पाता क्योंकि ये जल्दी पेड़ पर से उतरते नहीं है एक्सेप्ट जब इनके छोटे बच्चे होते हैं तो कई बार कोई बड़ा पक्षी या फिर सांप अटैक कर देता है लेकिन एक जीव से ये कैसे बचेंगे और वो है इंसान इंसान को इनका फर चाहिए होता है तो वो इनको मार देता है और नहीं तो हम इनका पेड़ ही काट देंगे यूकेलिप्टस का कहा जाओगे तो हैबिटेट लॉस की वजह से भी ये इनकी जान जाती है समटाइम्स प्रोडेशन और रोड एक्सीडेंट्स में भी इनकी जान जाती है नेक्स्ट आर्टिकल ब्लैक फूटेड फेरेट के बारे में है गिलैरी जैसे दिखने वाला ये जीव 1980 तक एक्सटिंक्ट माना जाता था लेकिन उसके बाद इनके कुछ इंडिविजुअल्स जानकारी में आए 1991 से लेकर 2009 तक यूएसए में कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया गया और फिर धीमे धीमे इनकी संख्या बढ़ने लगी तीस साल पहले के एक डाइड फेरिट का फ्रोजन सेल साइंटिस्ट ने रखा हुआ था अभी उसी की मदद मतलब से सक्सेसफुली इसका एक क्लोन तैयार किया गया ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी इंडेंजर्ड स्पीसीज का क्लोन यूएसए में तैयार किया गया हो ये जो फीमेल फेरेट तैयार किया गया है द फॉर्म ऑफ क्लोन इसे नाम दिया गया है एलिजाबेथ एन इसका साइंटिफिक नाम होता है Mustella, इसे ब्लैक आइट फेरेट के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि इनके आंख के किनारे काले रंग के पैचेस देखने को मिलते हैं ये एनिमल लंबा और स्लेंडर बॉडी वाला होता है जिसकी वजह से ये होल्स में से आसानी से आ जा सकता है ये अकेले रहना पसंद करता है मई और जून के समय में जो फीमेल्स होती हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं एक बार में लगभग छह बच्चे ये पैदा कर लेती हैं और अकेले ही उन्हें बड़ा करती हैं ये पेरीज के जो कि घास का मैदान है नॉर्थ अमेरिका का वहाँ के छोटे और मिडिल साइज ग्रास वाले एरियाज में रहना पसंद करते हैं और जो पेरीज डॉग होते हैं ये पेरीज डॉग हैं कि जब अपनी डिक के हुए होल्स को छोड़ देते हैं तो फिर ये उसमें रहने लग जाते हैं जो ब्लैक फूटेड फेरेट्स हैं वो उसमें रहने लग जाते हैं इनका आयुसियन रेड लिस्ट स्टेटस इंडेंजर्ड है थ्रेड्स प्रेरिज डॉग खत्म हो रहे हैं तो इनका जो हैबिटेट है वो खत्म हो रहा है इस वजह से भी इनकी संख्या कम हो रही है बाकी हैबिटेट लॉस भी हो रहा है कई बार नॉन नेटिव डिसीज आ जाती है जिसका ये सामना नहीं कर पाते हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट ऑफ एनवाइट रिपोर्ट 2021 के बारे में है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवाट ने अभी हाल ही में इस रिपोर्ट को रिलीज किया है ये उनका एनुअल पब्लिकेशन है इसके अलावा वो एक और पब्लिकेशन निकालते हैं डाउन टू अर्थ नाम से यहाँ पर ये फोकस करते हैं फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट वाटर सैनिटेशन और क्लाइमेट चेंज के ऊपर सबसे क्रेडिबल रिपोर्ट मानी जाती है एनुअल सर्वे के रूप में इन्वायरमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसकी वैलिडिटी भी होती है इन्होंने क्या बताया इन्होंने स्टेट्स की अचीवमेंट के बारे में बताया कि किस स्टेट ने किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टिसिपेट किया है यानी कि आपने डेवलपमेंट तो किया लेकिन एन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाया जो बढ़िया स्टेट्स हैं उनमें नाम आता है केरला हिमाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और तेलंगाना का खराब परफॉर्मेंस में नाम आता है बिहार झारखंड अरुणाचल प्रदेश मेघालय और उत्तर प्रदेश का स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट पर जब बात की इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में तो उन्होंने कहा कि 2009 से 2018 के बीच में एयर वाटर और लैंड पोल्यूशन बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ा है महाराष्ट्र का जो तारापुर है वो मोस्ट पोल्यूटेड क्लस्टर क्लस्टर के रूप में इमर्ज हुआ है बात सी के बारे में करते हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है न्यू डेली में बेस्ड है नाइनटीन में बनाया गया था थिंक टैंक की तरह काम करता है इन्वायमेंट रिलेटेड इशूज के ऊपर फोकस करता है वही इस रिपोर्ट को निकालते हैं जिस पर अभी हमारी बात हुई अगला आर्टिकल है मरीन हीट वेव्स के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि भविष्य में धीरे धीरे जो मरीन हीट वेव्स हैं और ज्यादा इंटेंस होती जाएंगी यह ओशन के जो ऊपर का एक ब्लैंकेट लेयर होता है 20 से 200 मीटर के बीच का यह पतला होता जा रहा है ये जो लेयर है यह मोटी लेयर होती है और ये एक बफर के तौर पर काम करती है जो इनकमिंग एयर है जो भी गर्म एयर होगी उसको अंदर तक नहीं पहुंचने देगी और ये जो बफर का काम है ये ये बड़ी लेयर कर रही थी अब सिचुएशन यह है कि ये लेयर जो है वो पतली होती जा रही है जब ये लेयर पतली होती जाएगी तो इससे अंदर टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं और इसी के बारे में बात करी जा रही हीट वेव्स में अब हीट वेव्स की बात करें ये ओशन में कैसे अकर करती है तो हीट वेव्स जो कि ओशन में है उसको मरीन हीट वेव्स कह देंगे सामान्य डेफिनेशन इसकी और इनको डिफाइन ऐसे करा जाता है कि पाँच दिन के लिए अगर जो सीजनल वेरिएशन का जो थ्रेश है जो टेम्परेचर है सी वाटर का वो एक्सीड कर जाए उस थ्रेश को लगातार कम से कम पाँच दिनों के लिए तो उसको हीटवेव मान लिया जाता है और हीट के हीटवेव्स अगर आ रही हैं दो दो दिन के डिफरेंस में तो उसको भी नोट करा जाता है और उसको भी सेम इवेंट के तौर पे कंसिडर करा जाता है जो आपकी मरीन वेव्स हैं ये ओशन टेम्परेचर को जब एक्सट्रीम वार्म हो जाए बहुत ज्यादा गर्म हो जाए उस पीरियड में ये अकर करती हैं जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं इससे संबंधित मरीन इंडस्ट्रीज़ जो हैं जो फिशिंग इंडस्ट्रीज वगैरह और जो मरीन इको है इन दोनों के लिए हार्मुल है अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गर्मियों में हो सकता है जैसा कि आप जनरली देखते हैं हीट वेव्स जो लैंड पे होती हैं वो जनरली गर्म मौसम में होती है लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो मरीन हीट वेव्स हैं ये विंटर और समर दोनों समय में हो सकती हैं कॉजिस के बारे में बात करा जाए तो यहाँ पर कहा जाता है जो वॉर्म वाटर है या फिर जो सी और पे हीट फ्लक्स है एयर और सी का हीट फ्लक्स होगा अगर हीट इंटरचेंज होगा अगर एयर और सी के बीच में तो भी ये मरीन हीट वेव्स फाउंड होती हैं इसके साथ में जो एलिनो है ये ऐसा पाया गया है कि एलिनो अगर कहीं पर होता है एलिनो इफेक्ट अगर कहीं पर देखने मिलता है तो वहाँ पर ऐसी जगह पर आपको मरीन हीट वेव्स देखने नहीं मिलती हैं या फिर इनमें फ्लक्चुएशन आ सकते हैं इनमें तब्दीली आ सकती है शायद वहाँ पर देर इज़ अ लाइटलीहुड कि एलिनो जो है वो चेंज कर दे इस पर्टिकुलर इवेंट को सर्टेन रीजन में ये इवेंट ना हो इवेंट मतलब ये मरीन हीट वेव्स ना करो ओशन वार्मिंग और हीट वेव्स के बीच में क्या रिलेशन इसके बारे में बात करें तो ओशन वार्मिंग 0.6 डिग्री से हो रही है कब से 1880 जब से इसको नोट करा जा रहा है हर सेंचुरी में 0.6 पॉइंट सिक्स डिग्रीज टेम्परेचर इसका बढ़ता जा रहा है ऐसा बताया जा रहा है ये आई की असेसमेंट रिपोर्ट फाइव जो आई थी उसमें ये चीज़ दी गई है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कभी भी आप अपने मीन्स में जब इन्वायरमेंट के बारे में लिखते हैं और ओशन के बारे में बताना हो आपको कि ओशन में किस तरीके से लेवल राइज़ हो रहा है या फिर किस तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग है या फिर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट कर रहा है तो यहाँ पर आई की आप ए आर असमेंट फाइव रिपोर्ट भी आप यहाँ पर दे सकते हैं और ये जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है ये जो वार्मिंग है इसकी वजह से क्या होने वाला है मनी इन हीट वेव्स और ज़्यादा इंटेंस हो जाती हैं और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं इन हीट वेव से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं तो आप देखिए ये जो फिशरीज़ है फ़िशरीज का जो एक इंडस्ट्री है प्रॉपर इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इसका कोरल में ब्लीचिंग आती है जो कोरल के सुंदर कलर होते हैं वो अपना कलर छोड़ने लगते हैं साथ में जो ट्रॉपिकल स्टॉम्स और हरिकन्स होते हैं उनको भी बूस्ट मिलता है इस मरीन हीट वेव से इसके अलावा जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो इकोसिस्टम है अंदर का वो चेंज होने लगेगा क्योंकि बहुत से ऑर्गेनिजम्स में आप देखिएगा जो एग लेंगे ऑर्गेनिजम्स होते हैं अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो फीमेल बॉर्न होती है और टेम्परेचर कम होता है तो मेल बॉर्न होते हैं तो सेक्स डिसाइड करने में भी जो एक्वाटिक इकोसिस्टम सिस्टम है वहाँ पर सेक्स डिसीजन भी टेम्परेचर से होता है इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर की वजह से भी जो जेंडर है एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का वो डिफाइन होता है तो मरीन हीट वेव्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हानिकारक हो रही हैं और भविष्य में ये बढ़ती ही जाएंगी तो आज के इस सेशन में बस इतना ही थैंक यू वेरी मच